अपने दूध और जुग्राफिये के हुस्न में मस्त ये है कॉकरेज गाय और ये है इसकी सरशारी भरी चाल। गुजरात के जिले बनासकंठा का ताल्लुका कॉकरेज इस गाय का असल घर है और कच्छ इसकी परवरिश गाह। शोरू कबीले के लोग ये गाय कच्छ से नंगर पार कर सिंध लाए और फिर महदूद पैमाने पर यह नस्ल सिंध के दूसरे इलाकों तक पहुंच गई। आज भी सिंध में बहुत कम लोगों के पास ये गायें मौजूद हैं। छोटा मुंह, बड़े और मुड़े हुए सींग, सीधे और बेचैन कान जो मुसलसल उफकी और अमूदी हरकत में रहते हैं। दस से बारह किलो दूध रोजाना देने वाले मुतवाजन थन, ऊंचा और लंबा जुस्सा, हर मौसम के मुकाबिल ये है कॉकरेज गाय। कॉकरेज गाय का दूध अपनी उम्दगी और गिजाइत के सबब नेमते खुदाबंदी है। ये शहरों के हुजूम से दूर बसने वाले लोगों के लिए फितरत का एक बेपाया इनाम है। ये कुनरी सिंध में एहसान भुरगड़ी का गेवबाड़ा है जहां खालिस नस्ल की कॉकरेज गायें मौजूद हैं। जी भाई एहसान भुरगड़ी जतन वट हुयो कच बुजन वट उन्होंने अची दिनियो शोरन के वो तुकार पियो एको 6 साल छपनी और उकार जो वो उनी टाइम में जो का उन्होंने अची शोरन के दिनियो नगर पार कर देंगे वो उता ही डगियो पकड़ियो कुछ मेरण पोटन वट भी कुछ लियाकत कायम खानी वरतियो कुछ अजा शोरन वट आयन। सिंध में इस गाय की ब्रीडिंग बहुत धीमी बल्कि ना होने के बराबर है। 2 से 3 लाख मालियत की इस गाय की अफजाइश वक्त की अहम जरूरत है क्योंकि सिंध का मौसम और जुग्राफिया कॉकरेज गाय की बढ़ोतरी के लिए मौजू तर है। ये गाय अपने बाड़े में हो या सुबह या शाम की घुमाई फिराई पर, इसे देखकर कुदरत की सन्नाई और आनाई पर इंसान का यकीन मजीद मुस्तहकम हो जाता है।